हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप गल करनी हैगी आयस राइटिंग टास्क वन की। तो अपने को जी अजय टाइप हैगी टू पाई चार्ट्स है, ठीक है। तो पाई चार्ट्स की अपने को जी टाइप हैगी, तो अज आप जी इस वीडियो के गल करनी कि मैं तुम्हें एक ना सैंपल आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी जिद कि इनफो कैब तो जड़ियाँ सेंटेंस वेरिएशन जो टास्क वन हों है ना वो अपना जस्ट सेंटेंस वेरिएशन से टिकया हों कि अपना इतों पता लगता जिनी आप जी सेंटेंस वेरिएशन ऐड करा तो उस हिसाब से जो अपने बैंड स्कोर बूस्ट होंगे है, क्योंकि अपन जो डेटा हों दिता गया हों कोई परसनल कुछ भी ऐड नहीं करना हों जस्ट आप जी दिता गया हों लाइनस ही फॉर्म करनिया है तो आप जो उस चीज़ के स्कोर मिलते हैं। तो हूँ आप गल करते हैं स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट की अपने को ऑनलाइन सेल्स फॉर रिटेल सैक्टर्स इन कैनेडा। तो अपने को जोड़े फोर सैक्टर्स दिते गए है सेल्स के कदे कदे इलैक्ट्रॉनिक एपीएंस फूड एंड बैबरेजिस होम फर्नीचिंग्स एंड वीडियो गेम्स, ठीक है। तो अपने को जोड़े फोर सैक्टर्स आ टाइम पीरियड की अपने को 2005 एंड 2010। तो आप जो कंपैरिजन करके लिखना जो भी थोनू टू पाए चार्ट्स आ जाए है ना, तो तुसी कोशिश करनी है कि उन्होंने जोड़ा आप कंपैरिजन करके लिखिए, क्योंकि कंपैरिजन और वेरिएशंस भी तो एक जो अपना लिखा हुआ टॉपिक है वह अफेक्टिव लगता है, ठीक है। जो आप डिफरेंट लिखते हैं उस तो ज़्यादा। तो हूँ आप गल करते हैं कि आप इंट्रो कि करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सैंपल इंट्रो दे दिए इंट्रो कि, तो हूँ अपने को इंट्रो नूं आपां लिखना है द टू पाई चार्ट्स। तो अपने को जिहड़े दो मतलब पाई चार्ट्स हैगे तो आप लिखता द टू पाई चार्ट्स कंपेयर द, तो की कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आप कंपेरिजन करके ही लिखना है, ठीक है। जो भी टू पाई चार्ट्स होने तो आप पहले दसता कि कंपेयर द परसेंटेज ऑफ, तो अपने को है जो डेटा कार दिता है परसेंटेज दिता गया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन सेल्स, तो ऑनलाइन सेल्स की गल हुई है अक्रॉस डिफरेंट फोर रिटेल सैक्टर्स इन कैनेडा इन टू डिफरेंट ईयर 2005 एंड 2010। तो देखो जो भी आप इंट्रो करनी हैगी तो आप दसता कि जी सेल्स आ फोर अपने को रिटेल सैक्टर है, तो आप मैनशन करता कि फोर रिटेल सैक्टर, ठीक है। कैनेडा अपन नेशन बिल्कुल दिता गया से पोवी लिखता, तो अपने को जो टाइम पीरियड भी दिता वह भी आप जो इंट्रो मैनशन करता। जे थोड़ू लगता हैगा भी लेंथ से कोई इफेक्ट है ना अपने को लाइक जिदा फोर ही सैक्टर्स दिए गए भी थोड़ा लगता कि लेंथ साड़ी नहीं होगी कंप्लीट, तो तुसी एक चीज़ होर ऐड कर सकते थे कि इट माइजर इन द परसेंटेज, क्योंकि जो डेटा है वो परसेंटेज के दिता गया ना, तुसी ये भी लाइन लिख सकते हो। तो एक होर गल जे आप इतने फोर रिटेल सैक्टर की जगह तो इन्हों के नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। अपने को नेम दिए गए तो इन्हें भी जो कुछ वर्ड्स बन जाएंगे अपने तो लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हूँ आप गल करते हैं BP1 की, BP1 कि परफॉर्म करना वा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे दिया आप इट इज़ क्रिस्टल क्लीयर फ्रॉम द गिवन चार्ट। तो जोड़े चार्ट था वो आप कहने कि वो तो जोड़ा एक नॉर्मल लाइन हैगी है, हर एक जो टास्क वन ना और इनू ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ क्रिस्टल क्लीयर फ्रॉम द गिवन चार्ट दैट द मार्केटिंग। तो अपने को सेल दिता गया तो आप मार्केटिंग सेम मीनिंग हैगा सेल एंड मार्केटिंग का, तो आप जी वोकैब ऐड करने के लिए की आ मार्केटिंग वर्ड यूज़ किया, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड एपीएंस सैक्टर, तो हूँ आप कि गल कर रहे हैं इलैक्ट्रॉनिक एंड, तो जिहड़ा अपने को ब्लू हैगा, ठीक है। तो ये कि 2005 के अपने को 35 है, तो 2010 के अपने को 30 है। तो देखो पहला 35 सी, तो जो 2010 गया तो एक ही होया डिक्रीज़ हो गया। तो आप दोनों चीज़ें मैनशन कर लिया कि भी 2005 के अपने को इन्ना सी है ना, तो जो 2010 गए तो यह डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो आप चीज़ दसनी है फर्स्ट वाले, तो हूँ आप दस दें कि लाइन कितना फॉर्म करेंगे आप। इलैक्ट्रॉनिक एंड एपीएंस सैक्टर वॉज द हाईएसट, तो यह हाईएसट आ, ठीक है। किदा हाईएसट आ देखो 35 है, तो जो तुम थ्री अदर सैक्टर्स देखो वो अपने को 35 नहीं है, ठीक है। एक 18 है, 25 आ, 22 आ। तो जे आप इधर गल करिए 2010 23 आ, 15 है, तो 32 है, ठीक है। तो अपने को जो 3% है इतने हाईएसट है, तो आप जो हाईएसट की गल की हैगी 2005 के 2010 जोड़ा है अपने को टू सैक्टर्स जोड़े है 23% एंड 15, ठीक है। तो अपने को जोड़ा की आ फूड एंड बैबरेज जोड़ा 32% आ, ठीक है। तो वो अपने को 2010, आप जस्ट हाईएसट इस तरह लिखना है कि अपने को 2005 के ही हाईएसट आ, 2010 के नहीं हाईएसट है, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो हूँ आप दस दें कि लाइन कितना फॉर्म करनी है।
ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵਿਦ 35%। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 35% ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ 35% ਸੀ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਦਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਡ ਡਰੋਪਡ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ 30%। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ? 30% ਬਾਏ ਦਾ 2010। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫੋਰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਟਾਸਕ ਵਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ 35, ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਜਸਟ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ ਹਾਈਐਸਟ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਏ 2010 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੂਰਿੰਗ ਦ ਸੇਮ 5 ਈਅਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਈਅਰ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿਉਂਕਿ 2005 ਟੂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਮ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂਵਰਡਸ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕੈਬ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫੂਡਸ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਵੋਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ? 22% ਐਂਡ 32%, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਖਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਅ ਵਰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਵਰੇਜ ਵੋਸ 22% ਐਂਡ 32% ਇਨ 2005 ਐਂਡ 2010, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਈਅਰ ਦੱਸਦੀ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 22 ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ 22 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, 2005 ਦਾ, ਅਤੇ 32 ਡੇਟਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? 2010 ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰਲੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2005 ਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ 22%, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 2010 ਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ 32%, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜ। ਦੇਖੋ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪਿਕਟ ਹੈਗਾ ਗਾ 22% ਐਂਡ 32%। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਏ, ਹੈ ਨਾ, 30% ਇਨ 2000। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੈਵਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਪਲੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਟੂ ਸੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BP2 ਦੀ। ਤਾਂ BP2 ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੁਕਿੰਗ ਦ ਚਾਰਟਸ ਇਨ ਟੂ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਲਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਆਫ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਸੇਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕੈਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੋਜ 18%। ਤਾਂ 18%, ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟਿਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸੈਂਟੇਜਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਵਕੈਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। 18% ਇਨ ਫੋਰਮਲ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਫੋਰਮਲ ਈਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2005, ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਾ 2010, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਰਮਲ ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। 18% ਇਨ ਫੋਰਮਲ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ 18%, ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੀ ਸੇਲ? ਗੇਮਸ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਵਾਇਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾਇਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵਾਇਲ ਦਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਸੈਂਟਿਸ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਏ 5%। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਲੇਟਰ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 23। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ? 5% ਵਧੀ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 18% ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ? ਬਾਏ 5%। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ 18 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ 5%, ਠੀਕ ਆ।
इन लेटर ईयर, तां लेटर ईयर दे विच एक जिहड़ी 5% इंक्रीज्ड होगी। तां हुण ये वीडियो गेम की गल सीगी, तां हुण आपां गल करदे आं, देखो वीडियो गेम भी हो गया है ना, फूड एंड बेवरेज। एक अपने को सैक्टर रह गया जिहड़ा की आ होम फर्नीचिंग, ठीक है, तां उहदी गल करदे आपां। होम फर्नीचिंग की किन्ना अपने को 22% तो हैगा 2005 के, 15% हैगा 2010 के, ठीक है, जिहड़ा ग्रे कलर के अपने शो हो रहा वो हैगा होम फर्नीचिंग, ठीक है। तो गल करते हैं आपां इहनूं किद्दां फॉर्म करना। द सेल ऑफ होम फर्नीचिंग्स वॉज 25%, तो इतने आप वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, कि जी सेल सी कि 25% सी होम फर्नीचिंग्स की इन 2005। तो आप देख लिया कि 25% हैगी 2005 एंड 15% इन 2010, तो जी कि होगी 15% सी 2010। तो देखो हूँ आप गल करते हैं सेंटेंस वेरिएशन कि आई अपने को। जो आप फर्स्ट का दसिया इलैक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेंट्स का, वो आप दसा कि हाईएसट सगा पहली ईयर से, बाद ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो रह गया जरा कि 30% रह गया। तो बाद जो आप सैकेंड की गल की फूड एंड बैवरेजिस की गल की, तो उदो आप भी दसता कि यही सेम पीरियड से अपना, है ना, 5 ईयर। तो बाद दसता कि यह रिस्पैक्टिवली वर्ड यूज़ करके आप जी एक वेरिएशन ऐड करती। तो हूँ बाद जो गल की हैगी वीडियो गेम्स की, ठीक है, तो वीडियो गेम्स लिए आप कर दिता 18% इन फॉर्मल ईयर एंड लेटर ईयर में ये इन्नी होगी, ठीक है। तो रेशो ऐड कर दिता, उसके लिए वकैब का पार्ट भी कवर हो गया, रेशो परसेंटेज साइन, है ना। तो फिर जो अपने को होम फर्नीचिंग्स की गल सी, तो उदो आप दसता कि 25% सिंपल लाइन बना के भी 2005 इन्नी सी, 2010 इन्नी सी, ठीक है। तो इदा अपनी जी सेंटेंस वेरिएशनस आ गई। तो हूँ आप गल करते हैं वकैब का पार्ट कि कवर होया। वकैब देखो आप फर्स्टली जो यूज़ किया है ना, तो आप दस दिता कि मार्केटिंग सेल की जगह पर आप मार्केटिंग यूज़ किया। तो सैकेंडली आप दसता कि प्रेफरेंस, ठीक है, भी प्रेफरेंस टू वर्ड्स ऑफ फूड एंड बैवरेजेस, तो आप ये भी एक वर्ड मतलब कि ऐड करता। फिर आप सेल यूज़ करता, ठीक है, सेल, तो उस इसलिए अपना जो सेंटेंस वेरिएशन का जो पार्ट इस तरह कवर होंगे। तो फिर आप एक सेल यूज़ कर ला, एक दो बार रेपीटेशन हो जाए ओके आ, बट आप जिन्हें कि हर एक लाइन के सेम वर्ड नहीं लिखना होंगे, लाइक सेल सेल लिखने की जगह पर मार्केटिंग, है ना, प्रेफरेंस, तो क्रेज, कुछ भी तुम जो वर्ड लिख सकते हो। हूँ आप गल करते हैं कि ओवरऑल किदा दसना, तो हूँ आप ओवरऑल दस दें, ओवरऑल इट इज़ क्लीयरली सीन फ्रॉम द चार्ट्स। तो अपने को दो चार्ट्स है, इसलिए आप एस यूज़ कर रहे हैं चार्ट के न, चार्ट्स दैट सेल ऑफ इलैक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड होम फर्नीचिंग ड्रॉप, ठीक है। तो की जी सेल इलैक्ट्रॉनिक आइटम्स की सी, है ना, तो होम फर्नीचिंग्स की, ठीक है। तो हूँ मैं थोड़ा शो कर दी हाँ कि जी अपने को ब्लू सी, भी है ना, डिक्रीज हुई है, देखो पहला 35% सी, तो फिर 30% रह गई, ठीक है, तो ये डिक्रीज हुई है। तो होर आप ओवरऑल की लिखा हैगा कि जी सेल इलैक्ट्रॉनिक आइटम थी वो भी जी ड्रॉप हुई है, तो एक हुई है होम फर्नीचर की, देखते हैं होम फर्नीचर की। तो होम फर्नीचर अपने को ग्रे है 25% सी जो फॉर्मल ईयर, बट लेटर ईयर से यह हो गया 15% हो गया, तो यह भी जी ड्रॉप होगी, ठीक है। तो आप दस दिता ओवरऑल के दोनों जिहड़ियां सैक्टर सी ड्रॉप हुए, हाउ एवर ट्रेंड चेंज हो रहा, तो आप हाउ एवर लिख रहे हैं, हाउ एवर द क्रेज फॉर फूड एंड वीडियो गेम्स इंक्रीज ड्यूरिंग द मीन टाइम, ठीक है। तो बट जो फूड तो वीडियो गेम्स सेगा वो इंक्रीज होया, देखते हैं अपने को जरा फूड शो हो रहा ऑरेंज के, देखो 22% से, तो इतने 32 हो गया, वध गया ना, तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हूँ अपने को जी गल करते हैं, देखो फू वीडियो गेम तो फूड, ठीक है। तो हूँ वीडियो गेम जरा अपने हो रहा येलो शो, ठीक है। तो यह 18% है ना 2005 के, 2010 की है 23 हो गया, ठीक है, तो यह इंक्रीज हो गया। तो हूँ आप गल कर दी कि इतने आप वर्ड यूज़ कर लिया क्रेज, ठीक है। तो वो क्रेज सगा, है ना, लोगों को क्रेज़ से फूड तो वीडियो गेम्स लिए जरा वो इंक्रीज होया। तो हूँ मैं तुम्हें वर्ड दस दी हाँ कि मेन टाइम, मेन टाइम आप उस जगह से यूज़ करते जिथे आप दसना होगा सेम टाइम पीरियड, क्योंकि आप सेम पीरियड की गल कर रहे हैं, तो इसलिए आप कह रहे थे कि मेन टाइम सेम टाइम पर जो ये डिक्रीज हुए थे, तो उदो जे फूड तो वीडियो गेम्स की प्रेफरेंस वो वधी सी, ठीक है। तो मेन टाइम आप उदो यूज़ करें जो आप लिखना हो सेम टाइम। तो इस तरह अपना जो पार्ट कवर हो गया वकैब का सेंटेंस वेरिएशन का। तो तुम जो भी पाई चार्ट्स आप है ना टू जा थ्री ऑन ऑलमोस्ट अपने को टू ही आते होंगे, तो उन्होंने जो कंपैरिजन करके लिखने की कोशिश करनी है, तो इन्हें अपना जो इफेक्टिव होंगे वा तो जो स्कोर भी बूस्ट होंगे, ठीक है। तो इदा सेंटेंस वेरिएशन टास्क वन के जरूर ऐड करनी है, बिकॉज जो आप टास्क टू के सेंटेंस वेरिएशन कितने ना कि नहीं ऐड करते तो चल जाता कि ना कि, है ना। तो जब आप कहने कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने तक अपना जो टास्क पहुँच जाता, बट जब आप टास्क वन की गल करिए
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸਕੈਬ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।